हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्थ ऑफ दिसंबर 2021 थाउजेंड दिसंबर 2021 संडे का दिन है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं uh, शुरू करने से पहले बात वही रहेगी वन पर्सन वन लाइक वीडियो पसंद आता है कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी किया करिए है ना दैट इज वॉट यू शुड डू एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो एज वेल तो शुरू करते हैं पहले आज के सवालों के साथ सबसे पहला आज का सवाल है विद रेफरेंस टू तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दूसरा कह रहा है इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी तीसरा कह रहा है वन ऑफ इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली

तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज द लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट यू हैव टू आंसर दैट एज वेल ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही सर्वड एज द फर्स्ट इंडियन एमपी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दूसरा कह रहा है ही इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तीसरा कह रहा है ही वॉज द फाउंडर ऑफ लंडन इंडिया सोसाइटी एंड चौथा कह रहा है ही एक्टेड एज द मेंटर टू गोपाल कृष्ण गोखले है ना तो ये चार स्टेटमेंट है अब आंसर तो आप लोग को पता ही चल गया होगा क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से ही आपको क्लियर हो गया होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ आप चारों स्टेटमेंट याद जरूर रखिएगा है ना ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए इससे रिलेटेड तो आपको वो बनना चाहिए है ना तो, तो दैट इज द थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप ये सारे स्टेटमेंट याद रखेंगे तो चलो फिर आंसर डिस्कस कर लेते हैं लेकिन एक सीरियस स्पिरेंट की तरह आपको क्या काम करना है एक सीरियस एस्पिरेंट्स की तरह आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके सही थे ठीक है ना पहला सवाल मैंने पूछा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जिसमें मोस्ट ऑफ यू वुड हैव आंसरड डी जहां आप लोगों ने कहा होगा डी आंसर है लेकिन इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी यानी कि 2 एंड 3 स्टेट्यूटरी uh, बॉडी है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंड इसका ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये भी सही है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नहीं आती ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आती है ठीक है ना तो जिन लोग के आंसर ये सही होंगे वो मुझे अलग से बताना कि मेरा के वाला सही था Uh, दूसरा सवाल डैम सेफ्टी बिल 2019 ये भी प्यारा क्वेश्चन था इसमें भी आपको बताना है पहला सवाल पहला स्टेटमेंट जो मैंने पूछा था कि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विल इंश्योर द नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डैम सेफ्टी पॉलिसीज ये स्टेटमेंट क्या है सही कि गलत है ये स्टेटमेंट है गलत क्यों क्योंकि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी पॉलिसीज बनाएगा इंप्लीमेंटेशन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी मेंटेन करेगा तो तो ये ये करता ना कि NCDS. तो ये आज स्टेटमेंट गलत हो गया तो पहला गलत है दूसरा तीसरा सही है क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है बिल्कुल सही है पहला चाइना है दूसरा यूएसए है बिल्कुल सही है एंड इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये भी सही है तो इसका आंसर रहेगा टू एंड थ्री बी विल बी दी आंसर और दादा भाई नोरोजी थर्ड का आंसर रहेगा तो आई होप यू वट क्लैरिटी रिगार्ड

उसमें इंटरनेशनल और ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने करा लिए हैं ऐसे कि पाँच से छः क्लासेज ऑलरेडी की जा चुकी हैं एक लाइव सेशन हुआ है सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आज ज्वाइन करेगा वो पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है और ये सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो कल्चरल मैपिंग ऑफ एट्टी विलेजेस किक्स ऑफ अब कल्चरल uh, मैपिंग जो है वो शुरुआत की गई है अस्सी गांवों के साथ द पायलट हैज स्टार्टेड विद एट्टी विलेजेस नाउ दिस इज़ द कल्चरल मैपिंग तो ये क्या है कल्चरल मैपिंग है जिसको कि स्टार्ट किया गया है कल्चरल मैपिंग में क्या किया जाएगा बेसिकली किया जाएगा कि हर गांव से उस गांव के जो स्पेशल वहां से रिलेटेड कोई बड़ी पर्सनैलिटी है या फिर ऐसी पर्सनैलिटी जो वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हो उनके बारे में उनके बारे में उसको उसको थीम बना करके उसको डेवलप किया जाएगा एंड उन विलेजेस से आर्टिस्ट को निकाला जाएगा जो आर्टिस्ट हैं जो कि रिलेटेड है वहाँ से है ना तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी है ना तो दैट ये प्रोजेक्ट मेंटेन कौन कर रहा है ये प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहा है ईगनका ठीक है ना इसको कौन मेंटेन कर रहा है ईगनका मेंटेन कर रहा है जिसको हम फुल फॉर्म क्या है इंदिरा गांधी Uh, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इगनका का फुल फॉर्म क्या है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इसका फुल फॉर्म क्या है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ठीक है इगनका बोलते हैं इसको और ये क्या कर रहा है ये कल्चरल मैपिंग में यही करेगा अब ये बना कब था थोड़ा सा ये भी लिख लो ये बना था 1987 में दिस वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन आप चेक भी कर सकते हैं वैसे तो लेकिन ये 1987 में बना था और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है ठीक है ना गनका किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये भी आपको याद रखना है एंड uh, uh, ये एक और प्रोजेक्ट चलता है ना प्रोजेक्ट मौसम चल रहा है ठीक है ना प्रोजेक्ट मौसम चल रहा है तो उसकी भी वो उसका भी ये बेसिकली वही है मतलब रिसर्च यूनिट यही है आपका इगन का ही रिसर्च यूनिट है ऑफ द प्रोजेक्ट मौसम जो कि बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है प्रोजेक्ट मौसम चल रहा है और उसमें ये इसका अंतर्गत ये उसका रिसर्च वो भी है ठीक है ना और इसके अलावा इगन का नाइनटीन एंटी में बनाया था ऑटोनॉमस बॉडी है जो जैसा कि मैंने बताया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही प्रोजेक्ट भी कल्चरल मैपिंग जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही की जा रही है तो देखो यहाँ पे लिखा भी है क्या क्या चीजें की जाएंगी इसके अंतर्गत लेट मी शो लेट मी शो यू दैट एज वेल ठीक है तो लेट मी शो यू दैट ठीक ये show, well, so, yeah. देखो कल्चरल मैपिंग ऑफ एट्टी विलेजेस जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा द फ्रीडम मूवमेंट यूनिक क्राफ्ट फेस्टिवल्स उन इन सारी चीजों के पायलट प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें जो इनकी मैपिंग की जाएगी कि वहां से कौन सा फ्रीडम फाइटर था वहाँ के यूनिक क्राफ्ट क्या है वहां पे क्या यूनिक आर्टिस्ट हैं ये सारी चीजें बेसिकली हैं ठीक है ना अब यहां पे जैसे जगह कौन कौन सी से सेलेक्ट की गई तो अस्सी विलेजेस से बहुत सारे हैं लेकिन कुछ खास खास यहाँ पे न्यूज में दिए हैं तो जैसे आ, सेंपोर जो कश्मीर में है टू कंजीरापल्ली जो कि केरला में है सिंपोर कहां पर है कश्मीर में और कंजीरापल्ली कहां पर है केरला में है ठीक है ना इनका जो भी एसोसिएशन रहा होगा फ्रीडम मूवमेंट से वो सारी चीजें जो बेसिकली है उनको बेसिस बना करके इनको सेलेक्ट किया गया है ठीक है ना तो दैट इज द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग ऑल दिस द एम इज टू क्रिएट अ डेटा अब इसका कल्चरल मैपिंग का एम क्या है बेसिकली टू क्रिएट डेटा डेटाबेस इसका मेन है कि डेटाबेस बनाया जाए आर्टिस्ट्स का डेटाबेस बनाया जाए और बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट के कहां-कहां पॉइंट्स थे उनका डेटाबेस बनाया जाए तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाएंगी ठीक है ना इसके अलावा देखो यहां पे ये भी है इसके अलावा ये भी है नेशनल रजिस्टर एंड इंटरेक्टिव डेटाबेस ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्ट प्रैक्टिसेस ठीक है तो आर्टिस्ट एंड आर्ट प्रैक्टिस का एक पूरा डेटा बेस बनाया जाएगा और उनको एक यूनिक आई भी प्रोवाइड की जाएगी ठीक है ना दे विल बी आई डी एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप तो सबसे सेटअप्राफ्ट है आर्ट क्राफ्ट है जिसे है एंड किसी रीजन के स्पेशल अब उनको गवर्नमेंट uh, ये भी चाहती है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में आकर के उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो तो इस कारण से बेसिकली क्या किया जाता है कि उनको एक यूनिक आईडी डी उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सेटअप भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस पेज तो काफी

खटकर कला विलेज है वो सेलेक्ट किया गया है और ये खटकर कलां जो विलेज है इट इज अ मेमोरियल ऑफ भगत सिंह ठीक है ना इसके अलावा रेनी गांव है फ्रॉम द उत्तराखंड रेनी विलेज रेनी विलेज फ्रॉम उत्तराखंड जो जहाँ पे चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना याद रखेगा रेनी विलेज फ्रॉम उत्तराखंड वेयर चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड एंड इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी इन डेली कठपुतली कॉलोनी इन डेली जो है बेसिकली नोन फॉर द माइग्रेंट आर्टिस्ट ठीक है ना Uh, ये किसके लिए है माइग्रेंट आर्टिस्ट के लिए है, के लिए है. Uh, ये जाना जाता है दिल्ली का है ठीक है ना एंड दिस इज द दिस इज द प्लेस इन दिल्ली तो ये देखो आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं जैसे रेनी विलेज उत्तराखंड में यहाँ से uh, चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया इसके अलावा मैंने आपको रेनी विलेज का बता ही दिया है ठीक है ना uh, रेनी का बता दिया फिर आपको भगत भा, सिंह का खटकर कला आपको बता दिया फिर इसके अलावा जो वानला विलेज एंड चोगलाम सारे विच आर नोन फॉर द वुड कार्विंग बता रहे कठपुतली कॉलोनी कहां पे है दिल्ली में है नोन फॉर द माइग्रेंट आर्टिस्ट माइग्रेंट कथपुतली आर्टिस्ट ठीक है ना तो यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए होप यू गट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ठीक है ना सो दिस इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको याद रखिएगा ठीक है आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और तमिलनाडु के भी दो विजेस हैं तमिलनाडु जिसमें एटरम है द बर्थ प्लेस ऑफ पोएट सुब्रमण्यम भारती एटरम और थिरुचीगढ़ी थिरुचीगढ़ी इट्स अलेज ऑफ वुमेन पोएटर्स सॉरी तो वुमेन पॉटर्स का गांव है थिरुचा थिरुचीगढ़ी थिरुचीगढ़ी इट इज़ अ विलेज ऑफ वुमेन पॉटर्स एंड इट टयापुरम विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सुब्रमण्यम भारती सो दैट इज़ अ थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसको आप याद रख सकते हैं और जैसे मैंने आपको सिंपोर बताया था सिंपोर या पंडरे थान बोलते हैं उसको सिंपोर को ही पंडरे थान बोलते हैं अब कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता दूँ जो न्यूज़ में नहीं है वो बता दूँ जैसे सिंपोर पंडरे थान है विच इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ये एक्चुअली में फोर्टीन सेंचुरी जो मिस्टिक एक मिस्टिक थे लाल देड़ या उसको लालेश्वरी भी कहा जाता है तो ये मैं आपको बता दूँ कैसे सेम्पोर जो है ना सेम्पोर मैंने नाम लिया सेम्पोर इसको पंडरे थान भी बोलते हैं पंडरे जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर रीजन में है बेसिकली तो ये है बेसिकली फोर्टीन सेंचुरी मिस्टिक लाल देड़ या लल्लेश्वरी उनको कहा जाता था है ना तो ये आपको पता होना चाहिए फिर मैंने आपको चोगलामे चो, 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 चो चोगलामसार और वा, वा, वानला बताई दिया वुड कार्विंग के लिए खटकर कला आपको बता दिया भगत सिंह के हैं ठीक है ना तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दीज आदर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड uh, वैसे जो ये प्रोजेक्ट है ना ये लॉन्च होना था मैपिंग 2017 में है ना तो बट अभी थोड़ा सा डिले हो गया था ये 2017 का प्रोजेक्ट है सो so, याद रखिएगा जो कल्चरल मैपिंग मिशन है अगर आपको ईयर कोई पूछे ना कब लॉन्च होते दो हज़ार ही आपको बताना है यू हैव टू टेल द आंसर एज टू ओनली ठीक है ना इसको याद रखिएगा ठीक है अब एक और बता दूं आपको इसमें जग, जगह है एक कंजीरापल्ली जैसे कंजीरापल्ली मैंने आपको बताया केरला में है कंजीरापल्ली केरला में है तो उसमें अक्मा चेरियन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट नोन एज द झांसी रानी ऑफ ट्रावन कोर तो ट्रावन कोर की झांसी रानी कहा जाता था इनके नाम लिख लो कंजीरापल्ली जो जगह है ना इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं ये देखो यहाँ पे लिखा है बता दूं यह कंजीरा कंजीरा पल्ली कंजीरा पल्ली जो है वो प्ले अक्माचेन की जगह है अक्का चेरियन की स्पेलिंग क्या होगी लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो इसको भी मैं आपको बता दूं अक्कमा चेरियन की जो स्पेलिंग होगी लेट मी टेल यू दैट ए सी सी एम ए अक्का सी एच ई -E आर आई ए एन अक्कमाचेरियन आप लोग लिख लो अक्कमाचेरियन को झांसी रानी ऑफ ट्रावन कोर भी कहा जाता है झांसी रानी ऑफ ट्रावन कोर भी कहा जाता है मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे नाम दे दूं सारे के सारे नाम दे दूं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है इनको तो ज़रूर याद रखना है ना इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं इसलिए मैं आपको कुछ कुछ जगह बहुत ही फेमस और जो कि बहुत जरूरी है वो बता दें मैंने इनको याद रखना है ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो इंडिया रशिया सेट टू इंक ए के ट्वेंटी ए टू जीरो थ्री राइफल डील वर्थ रुपीज फाइव थाउजेंड करोड़ तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने परमिशन दे दी है अप्रूवल दे दी है फॉर द डील रशिया के साथ इंडिया ने मिलकर के ये ए के टू जीरो थ्री ए के टू जीरो थ्री अब आपको पता होना चाहिए जो ए के होता है ना ए के इज एक्चुअली फॉर रशिया ओनली ए के रशिया का ही टर्म है एंड बेसिकली ए के फोर्टी सेवन का भी नाम आपने सुना

एक्चुअली क्या है इंडियन आर्मी अभी तक जो यूज़ करती थी वो इंसास यूज़ कर रही थी इंसास यूज़ कर रही थी इंसान बहुत पहले उन्होंने वैसे रिटायर भी कर दी तो अब बी एस एफ और ये सब यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी इस समय मोस्टली आई थिंक बरेटा यूज़ करने लगी है बरेटा इज़ बीग यूज बाय इंडियन आर्मी जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो बरेटा यूज़ करते हैं अदरवाइज जो जो फ्रंट लाइन पर जो जवान और जो ये लड़ते हैं वो इंसास बरेटा इन सब का मिक्स यूज करते हैं ना हायर ऑफिसर्स में अब बरेटा देने लगे हैं ठीक है तो और लेकिन पैरामिलिट्री में तो अभी इंसास ही चल रही है पैरामिलिट्री में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे जो एडवांस्ड वेपनरी है इंडिया में यूज करती है इंडियन आर्मी उसके बाद यूज करती है जो जो इंडियन आर्मी रिटायर कर देती है वो यूज करती है बी एस एफ या पैरामिलिट्री और जो ये फिर बी एस एफ और पैरामिलिट्री रिटायर कर देती है वो यूज़ करती है पुलिस है ना जैसे पुलिस में अगर आप मैं आपको बताऊँ तो पुलिस अभी भी एस यूज़ कर रही है एस न जाने कब आर्मी ने रिटायर कर दी थी और एस तो ठीक है ठीक है अभी पुलिस इंडिया कई

ये तो इंडिया में वेपनरी का हालात है इसको आप लोग याद रखिएगा आगे मैं अगर बात करूँ तो ए के टू जीरो थ्री राइफल्स विल रिप्लेस द इंसास जो जिनको इंडक्ट हुए थे वह थ्री डिकेट्स को तो ए के टू जीरो थ्री जो है वो इंसास को रिप्लेस करेंगे तो मतलब अब जो जवान स्तर है वहाँ से भी ए के टू जीरो थ्री यूज़ करना शुरू कर देंगे और मैंने आपको बताया बरेटा बरेटा फॉरन ये भी बरेटा भी काफ़ी फेमस है बरेटा जो है वो यूज़ की करते हैं जो आपके ऑफिसर लेवल हैं अभी आर्मी में वो आई थिंक बरेटा ही यूज़ करते हैं ठीक है ना तो वो बरेटा यूज करते हैं तो फायर आर्म एंड ये ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है एंड इसके अलावा कई पिस्टल के फॉर्म में तो आपको पता होना चाहिए पिस्टल में जैसे कि नाइन एम यूज़ होती है पिस्टल में नाइन एम mm यूज होती है ना वेलिजन बिल्टी यूज़ होता है इसके अलावा ग्लॉक एक नया इसराइली आया है वेपन है ग्लॉक तो ग्लॉक भी कई जगहों पे यूज़ होने लगी है तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई होप यू यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट होगा बाय द इंडो रशियन इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड आई आर आर पी एल ज्वाइंटली इनको करेंगे विद द, द यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ जो भी है ये मिल करके इसको करेंगे आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव अहेड विद मी यहाँ पर देखो यूएस मैथ्स प्राइज फॉर निखिल श्रीवास्तव तो एमिनेंट इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव को जॉइंटली अवार्ड मिला है जिसका नाम है सिप्रियन फोयास प्राइज ठीक है याद रखिएगा सिप्रियन फोयास प्राइज दिस इज द अवार्ड विच इज गिवन बाय द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने ये सिप्रियम फोयास अवार्ड दिया है किसको दिया है निखिल श्रीवास्तवा को दिया है अब ये क्यों दिया गया एक्चुअली इनका जो इन इन्होंने जो काम किया था ऑप ऑपरेटर थ्योरी में हाई हाईली ओरिजिनल वर्क इन द ऑपरेटर थ्योरी उन्होंने एक काम किया कि जो कि बहुत ही फेमस नाइनटीन की प्रॉब्लम है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत फेमस नाइनटीन की एक प्रॉब्लम थी जिसको फॉर्मुलेट किया था रिचर्ड कैडिसन एंड ईसाडोर सिंगर ने याद रखेगा रिचर्ड कैडिसन एंड ईसाडोर सिंग सिंगर

एंड इनोवेशन दैट कैन बेटर प्रोटेक्ट द पावर ग्रिड्स तो यहाँ पे एक आईआईटी का इन्वेंशन हुआ है आईआईटी कानपुर ने एक चीज डेवलप की है जो कि बेसिकली हेल्प करेगी इन द सेफ्टी ऑफ द पावर ग्रिड्स ठीक है ना सेफ्टी ऑफ द पावर ग्रिड्स अगेंस्ट सडन अनएक्सपेक्टेड करंट सर्जेस ठीक है ना तो सेफ्टी ऑफ द पावर ग्रिड्स अगेंस्ट करंट अनएक्सपेक्टेड पावर सर्जेस में ये हेल्प करेंगे ठीक है ना तो इसको याद रखेगा आप इस इस इनोवेशन का नाम है सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर देखो अभी मैं आपको बताता हूं जैसे मान लीजिए पावर लाइन ये लाइन जा रही है ठीक है ना इस तरीके से अभी आपने देखा होगा मैं आपको बना करके दिखा आता हूँ मैं कभी-कभी मुझे याद आ जाता है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हुआ करता था तो लेट मी शो यू दैट आल्सो दैट आर्ट आल्सो तो आपने देखा होगा जब इस तरह से तार निकलते हैं ये, ये तीन तार निकल रहे हैं ठीक है ना और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऊपर से नीचे इस तरीके से कुछ-कुछ वायरस जुड़े रहते हैं ना ऐसे 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 जुड़े रहते हैं और लास्ट में भी ऐसे लगे रहते हैं तो एक पोल लगा रहता है पोल टाइप ऐसे ब्लैक 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 ऐसे ब्लैक ब्लैक लगे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक वो लगे रहते हैं ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक लगे रहते हैं ना गोले इस तरह से गोले गए, चूड़ी की तरह है रहते हैं इनको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर याद रखेगा इनको क्या बोलते हैं सर्किट ब्रेकर बोलते हैं जैसे मान लो ये एक एक पोल है ये पोल है ये पोल है इसके बीच में ये तीन तीन लाइन लगी हैं ये ऐसे कनेक्ट तो रहेंगी यहां पे आपको देखा होगा ये आपका ब्लैक ब्लैक यहां पे साइड में लगे रहते हैं कभी नोटिस करना इसको है ना कई बार वायरिंग्स के भी, भी आपको दिखेगा तो ये जो ब्लैक ब्लैक लगा रहता है ना पावर लाइन में ये बोलते हैं बोलते हैं इनको सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं कि जैसे पावर सर्च हुआ पावर सर्च हुआ तो ये क्या करते हैं ये ब्रेक कर देते हैं सर्किट को वहां से तो पूरा सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से या उसको होने से ये बचा लेते हैं पूरे जो फॉल्ट आता है ना फायर से बचा लेते हैं है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड जब करेंट राइज होता है अब इन्होंने जो आई कानपुर ने किया है तो उन्होंने कहा कि सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर लगा दिया सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर क्या करेगा सुपर कंडक्टर का नाम ही है सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस देता है सुपर कंडक्टर क्या देता है जीरो रेजिस्टेंस देता है इसलिए तो सुपर कंडक्टर तो ये क्या करेगा जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड राइज हुआ अब क्यों अनएक्सपेक्टेड राइज हो सकता है देखो अनएक्सपेक्टेड राइज इसलिए हो सकता है जो पावर सर्ज है सडन जो पावर सर्च है वो हो सकता है क्योंकि मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया बीच में कहीं तो शॉर्ट सर्किट के, के केस में फॉल्ट करंट राइज कर जाता है या फिर मान लो सफल लो ओवर ड्रॉइंग ऑफ पावर हो रही है एक्सेस पावर जनरेट की जा रही है है ना तो ये जो रीजन्स हैं कई बार ये रीजन्स रहते हैं कि अचानक से बहुत बड़ा सर्ज देखने को आपको मिल गया ठीक है

शॉर्ट सर्किट के स्टेट में पास कराता रहता है, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड से ज्यादा करंट जाता है तो सुपर कंडक्टर तो जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू पास होगी तो ये रजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा बहुत ही कम टाइम पीरियड में तो सर्किट को बचाता है प्रोटेक्ट करता है तो याद रखिएगा ठीक है आई होप यू विल रिमेंबर दिस आगे मूव करते हैं एक और न्यूज आइटम है वैसे यहां पे यहां पे है नासा का आइकॉन मिशन ठीक है तो नासा के आइकॉन मिशन के बारे में बता दूं आइकॉन मिशन का फुल फॉर्म है आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर स्टडीज आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर स्टडीज याद रखेगा अगर आपसे कोई पूछे कि आयनोस्फेरिक कनेक्शन की स्टडीज किसका मिशन है तो ये नासा का मिशन है आपसे कोई पूछे आइकॉन मिशन किसका है तो ये नासा का मिशन है अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये क्या करता है बेसिकली तो ये एक्चुअली स्टडी करता है कनेक्शन ऑफ द आयनोस्फेयर विद द अदर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर ठीक है ना तो जैसे क्या है इंडिया जो ये आइनोस्फेयर की अगर आप लेयर देखें तो आइनोस्फेयर की लेवर बिल्कुल टॉप पे है अप्रोक्सिमेटली टॉप पे ही है जो कि आउटर एटमॉस्फेयर को इनर एटमॉस्फेयर के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है और आयोनोफेयर का यूज भी बहुत ज्यादा है तो ये बेसिकली यही स्टडी करने के लिए ये मिशन आईकॉन मिशन रिलीज किया गया है कि, कि किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है और क्या टग ऑफ वॉर चलता रहता है विथ्वीन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन कौन से जो लेयर्स है उनका क्या टग ऑफ वॉर चल रहा है आइनोस्फेर के साथ के, के क्या चल रहा है इनके साथ तो ये सारी चीज स्टडी करने के लिए व्हाट इज द डिबेट ऑन डैम सेफ्टी बिल अब डैम सेफ्टी बिल में क्या डिबेट चल रहा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं डैम सेफ्टी बिल में बेसिकली आपको पहले थोड़ी सी बातें बता दूं कि डैम सेफ्टी बिल जो है आ, उसमें क्या-क्या चीजें बनाई जाएंगी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एनसीडीएस सबसे पहले क्या बनाया जाएगा एन सी डी एस एन सी डी एस का काम क्या रहेगा नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी है जो कि ये पॉलिसीज बनाएगी ये स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि, कि किस तरीके से डैम सेफ्टी से और इनसे इनके बारे में आपको काम करना है क्या क्या चीजें आपको देखनी है ये सारी चीजें इसके अंदर होगी फिर मैंने आपको बताया कि एक एक बॉडी बनाई जाएगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एनडीएसए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी देखेगा ये मेक श्योर sure करेगा कि ये जो पॉलिसीज बन रही हैं जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं एनसीडीएस के द्वारा वो पूरे इंडिया में मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है, ठीक है ना यहाँ पे देख लो द बिल कवर्स दो बिल कवर्स

अब यहाँ पे स्टेट्स में भी एक बॉडी बनाई जाएगी जिसको स्टेट स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी ये स्टेट लेवल पे भी बनाई जाएगी ये भी आपको पता होगा एंड डैम ओनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ डैम्स डैम्स ओनर डैम ओनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ द डैम्स ठीक है तो इसको आप थोड़ा याद रखेगा कि डैम ओनर्स रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ डैम्स ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे स्टेट्स क्यों इस बिल को अपोज करते हैं तो स्टेट्स इस इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि ये वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट एंड स्टेट्स चाहते हैं नहीं है कि उनकी पावर पर इंक्रोचमेंट हो अभी तक डैम्स का मेंटेनेंस कौन कर रहा था स्टेट्स कर रहे थे कई स्टेट्स को ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो मेंटेनेंस सुपरविजन के नाम पे उनके स्टेट का जो वाटर शेयर है वो खत्म कर दे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु तमिलनाडु बहुत ज़्यादा नुकसान में रहता है क्यों क्योंकि तो जो इसके डैम्स है मोस्ट ऑफ़ द डैम्स आर लोकेटेड इन केरला लेकिन वाटर उसका कौन यूज़ कर रहा है तमिलनाडु यूज़ कर रहा है जैसे मुल्लापेरियार डैम है वो लोकेटेड कहाँ पर है वो लोकेटेड है आपका केरला में लेकिन उसका वाटर यूज़ कर रहा है कौन दोनों यूज़ कर रहे हैं केरला और तमिलनाडु भी यूज कर रहा है मेंटेनेंस उसका तमिल लाडू कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस बिल से बिल के आने से तमिलनाडु को वो प्रॉब्लम यार जो उसका बहुत पहले का एग्रीमेंट हुआ था वो कहीं इसमें विफल ना हो जाए और ऐसा ना हो चला जा जाए लेकिन ऐसा नहीं कि केवल स्टेट्स चाहते हैं कि ना ना बॉडी सेटअप हो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने दो हजार दस में ये चीज कही थी पहले बहुत पहले दो हजार सात में ये चीज कही थी कि एक नेशनल बॉडी जो है वो आर्टिकल टू फिफ्टी टू के अंदर करती है सारी चीजें देखे तो आर्टिकल टू फिफ्टी टू क्या होता है मैं आपको बता दूं आर्टिकल टू फिफ्टी टू है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट याद रखेगा जब कंसेंट दो स्टेट कंसेंट दे देते हैं सेंटर को या पार्लियामेंट को कि भैया आप लेजिस्लेट करो आप हमारे बीच का जो मुद्दा है वो आप ही सुधारो तो ये आर्टिकल टू फिफ्टी टू के अंदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दिस ऑल्सो तो so क्या शु है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है व्हेन कैन एन इंडिविजुअल गेट द स्टेट्यूटरी बेल तो मैं आपको बता दूं स्टेट्यूटरी बेल का कांसेप्ट क्या है इसको नॉर्मल डिफॉल्ट बेल भी यही होती है स्टेट्यूटरी बेल और डिफॉल्ट बेल यही होती है देखो ये सेक्शन 167 2 सेक्शन 167 2 जो है ये सीआरपीसी का है सेक्शन 2 इज uh, 167 2 किसका है सीआरपीसी का ये सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का है जिसमें यह कहा जाता है बेसिकली वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पुलिस टू कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन ट्वेंटी फोर आवर्स द पुलिस प्रोड्यूस द सस्पेक्ट इन कोर्ट चौबीस घंटे के अंदर पुलिस को सस्पेक्ट को कोर्ट के सामने ले आती है ठीक है ना अब कोर्ट या तो उसको पुलिस कस्टडी के लिए बोलेगी या जुडिशियल कस्टडी के लिए बोलेगी याद रखेगा दोनों अलग होती है पुलिस कस्टडी जो होती है वो पुलिस के पास रहते हैं पुलिस रिमांड में रहते हैं पुलिस कस्टडी जो रहती है वो पुलिस रिमांड में रहते हैं अब दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी मतलब

पुलिस है वो साठ दिन के अंदर ही चार्जशीट चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट पेश कर देती है बट मान लो कोई टर्म कोई ऐसा है जहां पे दस साल तक की सजा मिलेगी तो उसमें नब्बे दिन का समय मिलता है पुलिस को ठीक है ना एंड मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑथराइज अ पर्सन जुडिशियल रिमांड बियॉन्ड सिक्सटी और नाइन्टी डेज मतलब एक मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल रिमांड को नब्बे दिन तक ही खींच सकता है अगर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया तो अगर कर लिया तो तो फिर केस चलेगा वैसे ही नॉर्मल केस चलेगा ठीक है ना फिर एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट द कोर्ट शैल रिलीज द पर्सन इफ ही इज प्रिपेयर टू एंड डस फर्निश द बेल अगर वो बेल अमाउंट दे देता है जैसे मान लो कई बार बेल होती है कि एक की बेल है या दस की बेल दस हज़ार में जमानत मिलेगी या बीस हज़ार में या एक लाख में जमानत मिलेगी कई बार ऐसा भी होता है जैसे कई बार होता है कि पच्चीस गवन का केस जो होता है या बैंक फ्रॉड का कोई केस है तो उसमें बीस बीस लाख पच्चीस पच्चीस लाख की बैंक बेल मांगता है कि अगर आप इतनी बेल अमाउंट जमा करें तो ही आपको बेल मिलेगी तो ये भी ऐसा होता है है ना एट द एंड ऑफ दिस पीरियड अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो लेकिन बेल देनी पड़ेगी अगर वो व्यक्ति बेल अमाउंट जमा कर देता है तो ठीक है अब नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो एन एक्ट के अंदर का जो यही जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो 180 डेज हो जाता है ठीक है ना याद रखेगा 180 डेज हो जाता है है ना और इसको लेकिन अगर अगर कमर्शियल क्वांटिटी में सब्सटेंसेस हैं तो फिर ये एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है तो ये बहुत ही एन एक्ट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि एनडीपीएस में बेल या पैरल पैरोल या कुछ भी मिले फिर ना फिर याद रखेगा एक्सटेंशन अगर वन डेज के बियॉन्ड करना है तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना पड़ेगा कि क्या प्रोग्रेस बनाई है और किस तरीके से एक को डिटेंशन में रखना ही जरूरी है तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर जो जो लोक अभियोजन होता है उसके उसका बहुत बड़ा रोल रहता है पब्लिक का। Act, जो एक्ट है उसमें नब्बे दिन का टाइम पीरियड रहता है लेकिन कोर्ट जो है 90 का दे सकता है ठीक है ठीक ना यूएपीए में नब्बे दिन रहते हैं लेकिन कोर्ट जो है वो 90 का एक्सटेंशन दे सकता है बाकी इसके बीच में अगर फिर पुलिस नहीं कंप्लीट कर पाती है तो फिर वो आ, उसको बेल दे, देनी पड़ेगी हॉल मार्किंग के बारे में बता दूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि गोल्ड ज्वेलरी को मैंडेटरीली आपको हॉल मार्किंग करनी है और ये इंप्लीमेंट कौन करेगा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसको इम्प्लीमेंट करेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसको इंप्लीमेंट करेगा ठीक है ना अब देखो होता क्या है गवर्नमेंट ने कह दिया है कि एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा आपको ज्वेलरी में है ना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एच यू आई डी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अब ये जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इट्स अ सिक्स डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड या ये क्या है ये एक सिक्स डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है और वन दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स अल्फा न्यूमेरिक या नंबर या अल्फाबेट्स के साथ ये रहेगा एंड इट इज गिवन

एंड इसमें जो इसमें तीन सिंबल्स रहेंगे जो हॉल मार्किंग है उसमें तीन सिंबल्स रहेंगे जिसमें पहला जो सिंबल रहेगा वो बी आई एस लोगो का रहेगा जो सेकेंड रहेगा वो प्योरिटी एंड फाइन फिनेस का रहेगा एंड जो थर्ड रहेगा वो एच यू आई डी रहेगा ठीक है ना फर्स्ट सिंबल क्या रहेगा बी आई एस लोगो का रहेगा सेकेंड रहेगा प्योरिटी एंड फिनेसेस फिनेस का एंड फाइननेस uh, का फाइननेस हम जिसको बोलते हैं तीसरा रहेगा एच uh, यू आई डी ठीक है तो इसको आप याद रख सकते हैं एंड बायर को चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों सिंबल है नहीं अगर तीनों है तभी फिर वो अच्छा माने इसको। और हॉल मार्किंग एंड एच यू आई डी जो है चौदह अठारह रहेगा ठीक है चौदह अठारह बाईस के लिए, mandatory रहेगा।, थारा 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 के लिए mandatory रहेगा तो उसको आप याद रख सकते हैं ठीक है तो दैट इज इट फॉर द डे आई होटर वीडियो प्लीज डू लेक्स एंड सब्सक्राइब शेयरिंग थैंक यू नाइस डे